हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो है वो कार के ऊपर होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई आप बाइक्स को भूल गए हो, बाइक के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हो। तो ऐसा सीन है कि अभी कार में थोड़ा काम बाकी है, तो दो तीन वीडियोज जो है लगातार वो कार के ऊपर आएंगे। जैसे ही कार का काम खत्म होता है वैसे मैं बाइक्स के ऊपर जाऊँगा, फिर बाइक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है आप टाइटल से तो आपको पता चल ही होगा, ये है TPMS सिस्टम, जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, या बोल सकते हो टायर प्रेशर मैनेजिंग सिस्टम। हमारे चारों जो टायर होते हैं उसमें हम लोग एयर भरते हैं, नॉर्मल एयर, वो एक प्रेशर के ऊपर एयर भरते हैं, जो है 30 PSI, 32 PSI, 35 PSI का अलग अलग होता है। PSI बड़ी गाड़ी का थोड़ा ज़्यादा होगा, छोटी गाड़ी का थोड़ा कम होगा, मतलब वो वेयरिंग रहता है। कभी कभी क्या होता है गाड़ियों में जो एयर होता है वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। बाइक्स में तो फटक से पता चल जाता है कि हाँ भाई हवा कम है, देख लेते हैं हम लोग, बट कार में कहाँ से देखेंगे। मतलब बहुत सारे कार में इनबिल्ट ये सिस्टम आता है, वो टायर के अंदर होता है, उन लोग का सेंसर जो व्हील होता है उसके अंदर ही सेंसर होता है, उसको बोलते हैं टायर टर्मिनोलॉजी। कुछ एक्सयूवी में भी है वो फीचर, बहुत सारे कार्स में फीचर्स दिए हुए हैं, बट कोई कोई कार में वो लैक करते हैं फीचर। अगर आपको चाहिए तो वो फीचर आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको टायर प्रेशर पता चलेगा, टायर का जो टेम्परेचर है वो पता चलेगा, एयर का टेम्परेचर है वो पता चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी इसका मेन रोल है। अगर आपका टेम्परेचर लो होगा तो फिर मतलब एयर भी कम हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर आपका हाई होगा, जब हम लोग नेशनल हाईवेज में चलाते हैं तो टेम्परेचर हाई होता है फिर डायरेक्ट कार ब्लास्ट ही कर देता है टायर को, तो फिर वैसा एक सिचुएशन को अलर्ट करने के लिए ये आप सिस्टम यूज़ कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट रोल टायर का जो प्रेशर है वो माइलेज पर भी इफेक्ट करता है। पहले वाले वीडियोज़ में ही बताया हुआ है माइलेज के, कि अगर आपका टायर का जो प्रेशर है वो लो रहेगा तो आपके माइलेज में भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि इंजन को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है वो कार को आगे लेके जाने के लिए अगर टायर का प्रेशर लो रहेगा। अगर टायर का प्रेशर प्रॉपर रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और दो चीज़ें, दो चीज़ को एक बोलते हैं एक अंडर इन्फ्लेटेड और एक बोलते हैं ओवर इन्फ्लेटेड, मतलब कम इन्फ्लेटेड और ओवर इन्फ्लेटेड। तो इन्फ्लेशन में बता देता हूँ, मतलब इन्फ्लेशन मतलब कार का हवा, तो इन्फ्लेशन मतलब कार में कितना हवा भर रहा है। तो अभी समझो ये टायर है, ये प्रॉपरली फिल्ड टायर है जो एकदम प्रॉपरली रोड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो अभी समझो हम लोग का हवा कम है, हवा कम रहेगा तो टायर का कुछ शेप ऐसा हो जाएगा, और इस कार के जो साइड वॉल्स है, टायर के साइड वॉल्स, वो ज़्यादा घसने लगेंगे, ताकि ना कि सेंटर वाले, तो सेंटर वाले जो लाइन्स है वो घसेंगे नहीं, और टायर का अन ईवन वेयर होगा। टायर कैसा मतलब पूरा प्रॉपरली घसना चाहिए, जो रोड से प्रॉपरली घसना चाहिए। अगर ओवर इन्फ्लेशन होगा तो टायर ऐसा फूक जाएगा, और बीच का जो पार्ट है वही सिर्फ आपके ग्राउंड को टच होगा, तो वो दो चीज़ों से एक अन ईवन वेयर हो जाता है टायर का। एकदम प्रॉपरली खत्म होना चाहिए टायर को, साइड से भी और बीच से भी, ऐसा ना हो कि बीच से ही आपका टायर खत्म हो गया और साइड से एकदम प्रॉपरली है, तो फिर वो टायर वैसे कोई यूज़ का नहीं है। ये इसका ऐसा कुछ बॉक्स है और यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड टायर लाइफ, लीक वार्निंग, हीट वार्निंग, फ्यूल सेविंग्स और प्रेशर बैलेंस। और ये खोल देते हैं हम लोग तो आपको ये चार सेंसर्स मिल जाते हैं, पहले रियर राइट, रियर लेफ्ट, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट। तो सेंसर पे आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, ये IP67 वाटरप्रूफ है, प्रूफिंग का आपको कोई टेंशन नहीं है, ये सेंसर जो है फुल्ली वाटरप्रूफ है। ये टायर के जो वाल्व है, वाल्व होते हैं उसके ऊपर स्क्रू होने वाला है, आप भी देख सकते हो अंदर थ्रेडिंग्स दिया हुआ है ये सेंसर के। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक USB कॉर्ड भी दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, बट चार्जिंग की आपको जरूरत नहीं है, वो कैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका पूरा कंट्रोल है, आप देख सकते हो एक चार्जिंग का पोर्ट दिया, बट चार्जिंग की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये सोलर पैनल यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो कंटिन्यूसली चार्ज होता रहेगा सोलर पैनल की मदद से। अगर ऐसा हो सकता है कि कहाँ पे आपको सोलर एनर्जी नहीं मिल रहा है, कहाँ पे गाड़ी बहुत टाइम से बंद पड़ी है, तो आप चार्जिंग पे लगा सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉक नट्स दिए हुए हैं इन लोग ने, ये जो कैप देख सकते हो ये कोई चोरी ना कर पाए, बट ये मैं नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये आपने लगा दिया आप हवा भरने जाओगे तो आपको ये पाना लेके जाना पड़ेगा और उसको खोलते बैठना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको चोरी का टेंशन है तो आप ये लगा सकते हो, ये भी इंस्टॉल करना इजी है, सिर्फ आपको ये नट लगाना है और उसको टाइट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका मैनुअल है, मैनुअल को रीड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो गाइस हम लोग क्या करने वाले, इसका सेंसर लगाने वाले, स्क्रू कर देता हूँ इस पर, आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना, एकदम मॉडरेट टाइट कर दोगे तो भी चलेगा, एकदम इजीली ये फिक्स हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रंट लेफ्ट है, अभी हम लोग रियर का लेफ्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका रियर राइट, तो अभी चारों सेंसर लग चुके हैं। इसका जो डिस्प्ले वो ऑन करेंगे, ऑन करने के लिए यहाँ पे एक देख सकते हो बटन दिया हुआ है, सिर्फ बटन को प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए और ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, ये इसका PSI है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है ये इसका डिग्री सेल्सियस है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये टायर पे 34 PSI लिख के आ रहा है, तो 34 हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे ये कि 34 है या नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सेंसर है वो निकाल देंगे, एक पीछे का सेंसर निकाल दिया हम लोग ने, तो ये बीप बीप करते रहेगा,
तो आप देख सकते हो बीप बीप, क्योंकि हम लोग ने इसका सेंसर निकाल दिया और यहाँ पे था कुछ 34, तो यहाँ पे था 34। तो ये जो एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग का बहुत ज्यादा हैंडी है, कहाँ पे भी आप इसका प्रेशर चेक कर सकते हो। तो सिर्फ हम लोग इस पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ये नोजल बाहर आ गया, तो इसमें लिखा हुआ है 32, तो हम लोग का कुछ 34 था, तो प्लस वन प्लस माइनस का इसमें डिफ्लेक्शन रहेगा, मतलब एक दो एरर रहेगा, बट इतना ज़्यादा एरर नहीं रहेगा। तो वापस एक बार करके बता देता हूँ मैं आपको, 32 यहाँ पे आप देख सकते हो PSI 32 लिख के आ रहा है। हम लोग लगा देते हैं, तो ये वर्क अभी प्रॉपरली कर रहा है। तो अभी हम लोग इसको डबल साइड टेप करके एक जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं। इसका स्टिकर निकाल देता हूँ मैं, ये डबल साइड टेप का। आप एकदम सेंटर पे इंस्टॉल कर देता हूँ, यहाँ से मुझे भी दिखेगा, कोई बाजू में बैठा है तो उसको भी दिखेगा, और मेरे नज़र में ही रहेगा कि PSI इतना है उतना है। अभी इसका PSI एक टायर का 29 हो चुका है, तो मेरे को उसको 30 करना पड़ेगा। मैंने मिनिमम PSI रखा हुआ है 28, क्योंकि 28 के नीचे जाएगा तो हवा भरना ही पड़ेगा। बट इसका जो मैंने PSI समझ के रखा है कि आगे के टायर में भी 30, पीछे के भी टायर में 30, अभी कम ज़्यादा है तो चल जाता है, बट कम नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो उसको वो पॉइंट तक लेके आ सकते हैं हम लोग, सब जगह 30 ही होना चाहिए हमेशा। तो एक टायर में 43 है, तो उसको हम लोग कम करके 30-33 तक कर देंगे उसको। अभी इसको चार्जिंग करने के लिए प्रॉब्लम है, तो चार्जिंग करने के लिए मैंने ये वाला चार्जर खरीदा हुआ है, और ये सबसे बेस्ट चार्जर है। अगर आपको कार चार्जर चाहिए तो सबसे बेस्ट है ये। देखता है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा मेटल बॉडी में आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका व्हाइट लाइट है, इधर रिंग जैसा लाइट आता है। कॉलकॉम 3.0 चार्जर है, मतलब इसमें क्विक चार्ज भी सपोर्ट करता है, तो क्विक चार्ज आप कर सकते हो अगर आपके फोन में सपोर्ट कर रहा होगा। मेरे 1+5 में तो क्विक चार्ज नहीं है, कोई डैश चार्ज है, तो इसका अलग ही कुछ टर्म हो जाता है। जो सिगरेट लाइटर बोर्ड है उसके अंदर लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको, और एक छोटा सा इसमें लाइट आएगा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक लाइट आ रहा है, हल्का सा एकदम लाइट आ रहा है, रात को तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। ये लाइट देखिए आप कैसा दिख रहा है, आप देख सकते हो इसमें टर्बो पावर कनेक्टेड भी लिख के आ रहा है, मतलब ये मोटोरोला जो है ये टर्बो पावर भी सपोर्ट करता है। तो टर्बो पावर मतलब कॉलकॉम 3.0 ही है, बट मोटोरोला ने अपना एक खुद का नाम दिया है टर्बो चार्जिंग करके। ऑफिशियली ये कॉलकॉम 3.0 ही क्विक चार्ज ही है, तो ये क्विक चार्ज है और ये भी क्विक चार्ज है, मतलब ये प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है टर्बो चार्ज को। तो जैसे कि आपने देखा मेरा TPMS का इंस्टॉलेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये कोई भी कर सकता है इजीली से। आपको गम से वो वहाँ पे चिपकाना है, डबल साइड टेप भी उन लोग ने दिया हुआ है। ये तो व्हील के बाहर वाला सेंसर है, इसका जो बैटरी लाइफ है वो 2 साल का बैटरी लाइफ है, जो बाहर के सेंसर है उसके 2 साल तक आराम से चलेगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ये वाटर प्रूफ है फुल्ली। सो गाइज, आई विल मेंटेन माय वीडियो देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप यू गाइज सीन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच इट आउट, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। हाँ, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको याद से बजा देना।